मैं हैकर लेके आऊंगा। अबे बहन के लौड़े, जो तेरा हैकर है उसको बोल डीसी के सामने आने की औकात है बहन के लौड़े, जब मर्जी कस्टम कर ली हैकर वर्सेस हैकर। डीसी मेरे लौड़े थे 10 रुपए का एक कर एक प्रेस कर दूंगा। भोसड़ी के मोबाइल पे आके सामने क्या आता है एमयूएटर पे, आप भोसड़ी के भाई। डिस्क्लेमर पर लो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कम बोलूँगा, एंड में बोलूँगा तो एंड में सुन के जाना। ओ मेंटल डीसी कुत्ते के बच्चे कैसा मारता था उस दिन, याद है पापा का नाम हो रहा याद है वो। अब कल लेजेंड एक्स और यादव ने मिलके इस नूब हैकर या फिर चीटर को मारा था और ये फिर से हम लोग के मैच में था और इसमें बंदूकबाज भी था, गलती से बेचारा वो भी फंस गया। लेजेंड एक्स, लेजेंड एक्स तेरा बाप, तेरा बाप। हाँ आया बंदूकबाज, बंदूकबाज का तेरे उसके नीचे नाम था मेंटली से मारा बहन चोदी थी इसकी भोसड़ी वाली की छिड़नी गया एकदम, हो रहा यादव का नाम सुनते ही। अरे यादव का नाम सुन के ऐसा छिड़ा है भाई, यो भाई बहुत ही गलत मारा था भाई, इसकी बेइज्जती होगी कम से कम। पता कितने बंदे स्पैक कर रहे थे इससे, 55 बंदे। अब देख ले भाई पूरी आवाज आवाज ऑल पे मेंटल डीसी, मेंटल डीसी, मेंटल डीसी। अपने आपको ज्यादा बड़ा हैकर समझा, अपने आपको माफ कर लूंगा। हाँ और मार दिया था भाई इसके बंदे को, जैसे ये इन्होंने मार पे पुश करा, एक इन्होंने गाड़ी रोकी सीधी मार उस पर लाके ठोक दी। हम दोनों ने गिल्ली सूट पहन रखे थे, गिल्ली सूट वाले बंदे नहीं दिखते आसानी से। इन्होंने गाड़ी लाके ठोकी, हम एकदम झटके से बाहर निकले। मैंने एक इसके बंदे के बैरल तारी, वो गया हैकर, यो भी हैकर था इसके पास आया, यो यादव के, यादव ने तेल दिया इसे क्राउचिंग सूट कर। और हाँ हैकर है वो छोड़ी, देखो क्रॉस वो चमक रहा, फिर जिसका बंदा शॉट गन खेल देगा नंबर वन था। मेंटल डीसी जो है वो हमारी कांड पांड, मेंटल डीसी तो नो बैकर है वैसे, चल सकता है मैच लंड सी करा बहन चोद है तो खुद बेच है लोड़ा, पता नहीं या खुद को हैक नहीं करना आता। अब 3.5 मिनट हो गए हैं लगभग, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा वीडियो में हो क्या रहा है। तो देखो यहाँ पर एक हेडशॉट पड़ी लेजेंड एक्स को, कहाँ से पड़ी कोई आइडिया नहीं है लेकिन परफेक्ट हेडशॉट थी, तो हम लोग समझ गए हैकर है, तो हम लोग गाड़ी लेके निकल रहे थे। अब इस गेम में दो हैकर थे, दो से ज़्यादा ही थे लेकिन मेन जो थे वो मेंटल डीसी और मेंटल ऑक्सी थे। अब वीडियो इस वजह से नहीं दिखा रहा हूँ कि हमने उनको मार दिया या मैंने बहुत किल कर लिया, वीडियो इस वजह से दिखा रहा हूँ कि इस वीडियो के एंड में देखना तुम, इस वीडियो के एंड में आपको देखने को मिलेगा कि इन चीटरों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो किस हद तक पहुँच गया है और पबजी इनके सामने कितना लाचार और हम कितने बड़े शिकार हैं। अब यहाँ पर बंदूकबाज था लेकिन हम लोग जिस तरह से हैकर से बच के आए थे, हम लोग बिल्कुल भी इस मेंटल स्टेट में नहीं थे कि टीम अप वगैरह करने की हिम्मत रखें, तो यहाँ पर हम लोग एकदम से पुश हुआ तो हम लोग को समझ में नहीं आया क्या करना है। वो लेजेंड को फिनिश करेगा और मैंने उसको फिनिश कर दिया, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग थी और हम लोग को बिल्कुल नहीं समझ में आया कि करना क्या है। लोडू ना, अरे बे ये चीटिंग कर रहा बे, इसने देख लिया था मैं हूँ, सुन बे फारूक, फारूक अबे सुन चीटिंग कर रहा बे ये, तो पता भाई इनने मुझे देख लिया, लेजेंड है, मैंने नेट उठाया, इनने कहा ये नेट फेंक रहे तो पीछे कूदा, मुझे AKM से नॉक कर दिया। अब वहाँ हम लोग कोई टीम अप नहीं करने वाले थे लेकिन अफसोस इस बात का था कि हमने उन दो बंदों को मार दिया जो लड़ना नहीं चाह रहे थे, जो मीटअप करना चाह रहे थे, मतलब हम भी उनसे मिलना ही चाह रहे थे, दोनों तरफ से मीटअप था तो क्या कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम लोग के ऊपर गंदा फायर हुआ था और ये बंदे हैकर थे या नहीं मेरे को हैकर नहीं लगे ये ठीक, लेकिन दिमाग में तो भैया हर कोई हैकर ही बैठा हुआ था। तो यहाँ पर मैंने हेलमेट वैसे उतार दिया इस सोच के कि शायद इनका इम्पोर्ट वगैरह काम ना करे, बट ये चीज़ अब उनकी भी अपडेट हो गई है, अब वो बिना हेलमेट वैसे के भी मारते हैं।
अबे ब्रूटल सैम भाई फुल लिट है, फुल लिट है, एक एक ब्रूटल सैम फुल लिट है। अब इनका किल फीड में बहुत ज्यादा नाम आ रहा था, इस वजह से लेजेंड कॉन्फिडेंट था कि ये भी हैकर होंगे, बट वही बात है कि हेडशॉट वगैरह इनके नहीं दिख रहे थे, तो मैं हैकर तो नहीं कह सकता, बट ये है कि यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा रिस्क में था क्योंकि ना हेलमेट था ना वेस्ट था और दो बंदे मेरे ऊपर पुश कर रहे थे। इधर ही इसका बंदा दूर है, तो अकेला ही कुछ कर दिया। पर जब एक को तो खा गया ना, बैंड के लौड़ो हैक करके भी मर रहा ब्रूटल। अब मेरे को हैक्स वगैरह का ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन किल फीड में भी एक चीज़ है कि ज़रा देखना, मेंटल डीसी और मेंटल ऑक्सी दोनों एक ही टीम में और दोनों हैकर, बट यहाँ पर मेंटल ऑक्सी ने मेंटल डीसी को नॉक कराया हेडशॉट से, ये कैसे पॉसिबल है ज़रा मेरे को कमेंट में बताना, क्योंकि ये दोनों तो एक ही टीम में भाई, और आगे जाके आप खुद देख लोगे भी। अब इसको जिन्होंने मारा वो हैकर नहीं है, वो तो उनकी स्प्रे में ओपन आया, लेकिन इन बंदों के साथ गलत होगा। भाई देखो ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं अपनी वीडियो को दो बार पॉज करके डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर डिस्क्लेमर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वीडियो के इस पॉइंट के बाद ह्यूमैनिटी ख़त्म हो चुकी है, जो एक निचला लेवल होता है ना, निचला दर्जा, ये साले उसके भी नीचे आ चुके हैं। ठीक, तो अगर आप इस वीडियो को अभी तक इंटरटेनमेंट पर्पज़ से देख रहे थे कि जी गुरुजी ने कहा था कि कल की वीडियो में बहुत गाली होगी मज़ा आएगा, तो भाई आप भी उसी दर्जे के नीचे हो। सच बोलूँ ना, मैं जब एडिटिंग करने बैठा मैं बिल्कुल इस वीडियो को अपलोड नहीं करने वाला था, लेकिन यह चीज़ दिखाना भी ज़रूरी था कि इन सालों का कॉन्फिडेंस किस हद तक है, तो मैंने इसमें बहुत सारे कट कर दिए और ओरिजिनल क्लिप का मैंने आपको 10% भी नहीं दिखाया। तो देखो यार, रिकमेंड मैं यही करूँगा कि अगर आप बच्चे हो या फिर पबजी को बहुत हल्के में लेते हो, मतलब लिटरली कभी कदार खेल लिया, तो आगे वीडियो मत देखो, ये वीडियो ना आपके लिए है और ना ही देखने लायक है, और जो असलियत है वो देखने के लिए तो आप देख ही रहे हो वीडियो। भोसड़ी का साला ये मेंटल हैकर है तेरी। ए भाई ऑल पे गाली चालू हो गई मेंटल हैकर लेकर के। भोसड़ी के मैं पेड़ के शेक में था। हाँ भाई सही बोल रहे हो तुम, हमको यही मारा ये मेंटल। ये भोसड़ी का ऐसा ही मादर चोद आ जाते तृतीया साले, इनकी माँ का तो भाई सबको मारेगा, देखो अभी ये सबको पेलेगा भाई ये साले। भयंकर पबजी को छोड़ दो, देखो 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 शैक के अंदर से मार रहे। करेगा क्रिकेट भोसड़ी के, मैं मेरे एकर को लेके आता हूँ, ये तेरे जैसे चूतिया एकर नहीं है, एम्यूलेटर में खेलता है भोसड़ी के, अगर तू सुन रहा है ना तो। ओ देख हां कसम भाई पेल दी भाई 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 पेल दी शेक से, शेक के अंदर से साले चूतिया मार रहा है। पोसड़ी क्या तू रूम क्रिएट कर तेरी माँ। ये चूतिया भाई देखो। नहीं नहीं होगा 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 भाई, मेरे फ्रेंड हैक कर रहा है, उसकी आईडी बैन हो गई थी। टीम अप है भाई टीम अप। देखो इसने ट्रेस किया ना कुछ किया, ये भोसड़ी का। हेलो मेंटल डीसी,
भाई तेरी मां की चूत साले हैकर बे हैकर हेलो मेंटल डीसी सब रिपोर्ट करो उन दोनों को मारा ना भाई बात सुनो अरे बात सब रिपोर्ट करो ये अरे भाई बात एक एक बात करो एक भाई जितनी मर्जी रिपोर्ट करना है गाली देना जो मर्जी करना है भाई अभी ना एक गश्ती का बच्चा बोल रहा था रूम में आना मैं अपना हैकर लेके आऊंगा अबे बहन के लौड़े जो तेरा हैकर है उसको बोल डीसी के सामने आने की औकात है बहन के लौड़े जब मर्जी कस्टम कर ली हैकर मर जाता है तेरी बहन रूम में आना तू मादर चोद रूम में आना तू अबे बहन के लोड़े और मादर चोद जो तेरा हैकर है ना आना मेरे आगे उस मादर चोद की गाने में अगर कहा में जब मर्जी आ जाए हैकर वर्सेस हैकर करा दियो अगर एक बाप की बात है सोल भरत नाम है रिक्वेस्ट भेजी है तेरे को तेरा 2% का एक मैं दिखाता हूँ रूम में आ मादर चोद साले ऑक्सी वाली आईडी में भेजिए रिक्वेस्ट ये डीएक्सवाई वाली पे किस पे मेंटल डीएक्सवाई मेंटल ओएक्सवाई है बहन के लौड़े डीएक्सवाई नहीं है मादर चोद आईडी वो जो भी है चूतिया ये उछल-उछल के मार रहा है ना अपने बहन को मेरी बात सुन अभी मत मारियो हेल्थ डाउन है उसकी तेरी मां के तेरी वाली औकात बहन के लोड़े मेन आईडी पे हैक यूज करते हैं बहन के लोड़ो किसी तुम्हारी कांडुओं के दम में हुआ ना दम हो बहन के लोड़ो अपनी मेन आईडी पे हैक यूज करो भाई जरा हिम्मत देखो इसको इस चीज में मजा आ रहा है इसको गर्व हो रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है और अपने दोस्त से कह रहा है अभी मारो मत अभी और गाली गलौज होनी है बहुत सही मतलब ये सोच रहा है बहुत अच्छी चीज कर रहा है जबकि ये जो कर रहा है ना ये क्राइम है हर हर सीजन बहन के लोड़े 5-7 लाख आईडी पर लगाता हूं मैं तेरी लोग बहन चोद उसको कॉल कर ले मेरा नंबर मांग ले जा अरे ग्रीम को गिल दे जो जो को गिल दे जल्दी मार भाई मैं क्लिप यहीं तक दिखा रहा हूँ बहुत ज़्यादा ट्रिमिंग करी है मैंने और इस वीडियो में कोई भी आउट्रो वगैरह नहीं होगा कोई डांस फांस नहीं होगा क्योंकि वैसी वीडियो है भी नहीं भाई देखो ये वीडियो बहुत ज़्यादा एडिटेड है बहुत ज़्यादा ट्रिम है तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि पूरा वीडियो दिखा तू मैनिपुलेट कर रहा है तो भाई देखो ये वीडियो ओरिजिनल वीडियो का 10% भी नहीं है अगर आपको ओरिजिनल वीडियो फिर भी देखनी है ये सब सुनने के बाद अगर आपको अब भी नहीं समझ में आया हो तो ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी वहाँ से जाके देख सकते हो लेकिन भाई हद पार हो चुकी है एक जो लेवल थी जो लिमिट थी वो क्रॉस हो चुकी है इनके जो चीटर्स हैं अलग ही टाइप का एटीट्यूड है ये एकदम गिर चुके हैं ठीक और गलती यहाँ पर मैं कहूँगा उस बंदे की भी है जो चीट नहीं कर रहा था वो रोने भले ही लगा क्योंकि नहीं लड़ सकता भाई एक नॉर्मल इंसान क्योंकि वो इतना गिरा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी भाई गलती आप ही की है अगर सामने वाला इतना गिरा हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि आप भी उतना ही गिर जाओ तो मुँह ही मत लगाओ इनको भाई और उससे ज़्यादा गिरे हुए वो दो चूतिए थे जो टीम अप कर रहे थे उनके साथ जीतने के लिए ठीक सबसे बड़े कमीने तो वही हैं और भाई देखो इस वीडियो को दिखाने का पर्पस ये था कि मैं ये दिखाना चाह रहा था कि ये जो हैकर हैं इनका कॉन्फिडेंस लेवल कि इनको कोई कुछ नहीं कर सकता वो कहाँ पर है और मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि इनको लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं अपने मैच खेलो टीम पे रखो माइक ऑल पे रखो ही मत हैक करता है गेम एग्जिट करो रिपोर्ट मारो ना मारो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ठीक ये खुद गिरे हुए हैं इनसे बहस करोगे वो आपको भी गिरा देंगे तो जितना हो सके इनसे दूर रहो वही बेटर है पुश उश छोड़ो कोई ज़रूरत नहीं है जिसको कुछ अचीव करना है वो भले ही कर लो बाकी सब जाओ क्राउन के नीचे ही जाओ भाई डायमंड वगैरह में वहाँ सुख शांति है एस वगैरह बर्बाद हो चुका है भाई ख़त्म है ख़त्म और कुछ नहीं बोलना मेरे को